Guys, so I'm there in the kitchen of Amar Juice Centre and Restaurant here in Millat Nagar, back road, Lokhandwala. And यहाँ पे अब हम एक और recipe explore करेंगे, जो कि है masala pav. मतलब Mumbai is famous for its pavs, हाँ. मतलब Mumbai में pav बहुत famous होता है. Famous. हाँ, chef Dhirendra. यहाँ पे मैं बता दूँ, vada pav, samosa के साथ भी pav, bhaji के साथ pav, pav bhaji. Okay. मैंने तो काफी लोगों को jalebi pav भी खाते हुए देखा है. Anyways, यहाँ पे पाव भाजी का कजन भाई है कजन भाई बुलाऊंगा दैट इज द मसाला पाव दिस इज मुंबई स्पेशल डिश मुंबई की स्पेशल डिश मसाला पाव ओके तो कई आपको बोर हो रहा है पाव भाजी बनाने के लिए दिस इज अनदर वेरिएंट इसे पाव भाजी का कजन भाई भी बोल सकते हैं दिस मसाला पाव जो कि अमर जूस सेंटर में बहुत ही फेमस है इट्स अ यूनिक रेसिपी ओके सो वी वुड लाइक यू टू शेयर इट आप शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमें प्यार देते रहे चलिए धीरेन्द्र शेफ अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं अमर जूस सेंटर के शेफ धीरेन्द्र 18 साल का एक्सपीरियंस है 18 साल मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से आपका एक्सपीरियंस है अच्छा से अमर का पता नहीं चल रहा चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये सर अमूल का बटर है पहले सर बटर डालता है बिफोर वी गो अहेड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको दिखाऊंगा ला भाई ले ला एक्शन कैमरा दे दे ओके आज बीच में तू भी इसको भी फेमस करो हाँ सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आई हैव द एक्शन कैमरा द वन विच आई एम यूजिंग इज अ गो प्रो हीरो यू कैन यूज एनी ब्रांड वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड्स बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं बटर कितना डाला शेफ बटर एक डाला चम्मच एक स्पून डाला एक स्पून एक बड़ा वाला स्पून लग रहा है मुझे ये बड़ा वाला स्पून है ये सर ओके ये अच्छा ये वाला स्पून बटर डाला है इन्होंने ओके और ये सर जीरा है ओके सर ही इज टेकिंग द क्यूमिन सीड्स जीरा लिया है इन्होंने एक मुट्ठी इसको भूनना होगा रोस्टेड Wow. 18 साल के एक्सपीरियंस शेफ दिन में 90 पाव भाजी खुद ही बना लेते हैं 90 90 200 मतलब 90 पे आउट किया सेंचुरी मारना होगा अच्छा 100 बनाने के बाद आप ऐसे उठाते हैं जैसे बल्ला उठाते सब लोग ऐसा बैट क्रिकेटर की जस्ट जोकिंग शेफ ये सर कांदा है ओके अनियन एक मुट्ठी लेने हैं हाँ डालना है एक मुट्ठी अच्छी बड़ी वाली मुट्ठी ली है इन्होंने जैसे एक मुट्ठी यहाँ पे अब हमने और इसको अच्छा तरह से फ्राई करना है भूनना है जी और ब्राउन कलर आना चाहिए ओके तो ब्राउनिंग तक आपको इसको रोस्ट करना होगा यार ये जो प्याज की भुनने की खुशबू है पर्सनली मुझे बहुत पसंद है हाँ एक मिट्टी की खुशबू और एक प्याज की भुनने की खुशबू मजा आ गया ये शायर कैप्सिकम है आप द कैप्सिकम एक मुट्ठी है ये आप कैप्सिकम इन द मसाला पाव वाओ एक मुट्ठी कैप्सिकम की कीमत तुम क्या जानो धीरेन्द्र बाबू एक मुट्ठी शायर ये टमाटर है सर ओके एक मुट्ठी टमाटर सो द शेफ इज नॉट एंजॉयिंग माय जोक पकाओ जोक प्लीज एक 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 स्माइल तो कर दो कैमरे पे इतनी सारी महिलाएं आपको देख रही एक ऐसा ऐसा एक स्माइल एक यो आ दो प्लेट मसाला पाव लाना और क्या डाल रही ये सर गार्लिक पेस्ट है ये गार्लिक पेस्ट है ओके ये आपको मार्केट में भी मिल जाता है दिस इज द गार्लिक पेस्ट ये आपको आराम से मिल जाएगा गार्लिक जिंजर पेस्ट है गार्लिक जिंजर पेस्ट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये देते हैं ओके 9200 अप्रोक्सीमेटली आपको मसाला पाव मिल जाता है अमर के जूस सेंटर एंड रेस्टोरेंट में ओके ये सर चिल्ली पेस्ट है ओके दिस इज द चिल्ली पेस्ट अगेन यू गेट दिस आपको ये आराम से मार्केट में मिल जाएगा चिल्ली पेस्ट या तो फिर शेफ से भी हमने पूछ लिया था ऑल यू हैव टू डू इज जो चिलीज होती है रेड चिलीज उसको भिगोना होता है और ग्राइंडर में पीसिए और फिर आप जितना पानी डालेंगे उतना वो वैसा थिक होगा या थिन होगा ओके बट नॉर्मली बाहर से आप खरीद सकते हैं क्या मतलब तड़के लगते जा रहे हैं ये सारा धनिया है ओके वी हैव द धनिया हियर There we have Sahil Ansari, the hard-working DOP. Yeah, me also. Maybe you can put it in there. Okay. So here we are here in the kitchen and the kitchen's very neat. Here, sir, pani hai, water.
एकदम वो ये पानी डाला आपने तो मेरे हिसाब से आपने 1.5 कप पानी डाला है लेमन है सर आए हाय हाय निबूड़ा 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 ये सर नमक है नमक है क्या बोल रहे हैं नमक है हाँ नमक के बाद आराम से दिखाइए ये पाव भाजी का मसाला है सर ये पाव भाजी मसाला जो कि मार्केट में आराम से मिलता है ओके सो और ये धनिया पाउडर है सर ये धनिया पाउडर आपने डाला है ओके धनिया पाउडर पाव भाजी मसाला इन्होंने डाला इसको सर मैश करना है ओके इन्होंने मैश करेंगे ये तकरीबन जो इसका प्रिपरेशन है ये पाव भाजी टाइप ही है मुझे लग रहा है ये जो पाव है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाव ये अब डालने वाले हैं और एक पाव लिया है आपने एक पाव के पीसेस कर दिए दो पाव के पीसेस किए ये सर जो दो पाव है दो पाव है उसके पीसेस करके उन्होंने इसमें डाले हैं ओके आप चाहे तो इसे अखा रख के बीच में से स्लाइस करके भी मसाला भर सकते हैं वेरिएंट है बट शेफ का रिकमेंडेशन है कि अगर आप इसे ऐसे पीसेस करके डालते तो मसाला और वो बराबर अच्छा तरह से मिलता है मिक्स हो जाता है मिक्स हो जाता है टेस्ट भी अच्छा लगता है दिस इज द मसाला पाव वाह ये सर रेडी हो गया अच्छा रेडी हो गया मसाला पाव मैं पूरा खा जाऊंगा I want to thank all our subscribers who've been giving so much love from all over the world. Hi, my name is Mohsin Khan and very important, I'll read some messages before I sample the masala pav. Okay, so Kunal Nayak, Neil Das hai, Divyanshi, Shikrivar. Thank you so much for your love. Roma Ansari, okay. And Sagar Salve, Riya Sheikh, then Sav Anoj Garg, Sheetal hai, fir Harsh Balani, thank you so much for all your love. Yaar, bahut zyada pyar dete ho aap log. Shubhi and everyone. I wish aap log sab mere saath mein hote the. So we are now 70,000 plus happy family, hungry family. And yahan pe main ab Pav Bhaji ka cousin bhai sample karne wala hoon. That's masala pav. Okay. देखते हैं ये स्वाद कैसा है मुंबई की एक स्पेशल डिश है ओके हम ट्राई करेंगे मैं कर लेता हूँ ओके तो पहले मैंने पहले भी खाया मसाला पाव मैं हमेशा पहले मैं ये सोचता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पाव भाजी एंड मसाला पाव तो मैं आपको बता दूँ इसके जो जो अनियन और टमेटोज हैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं करते मैश करते हैं देखिए बट शिमला मिर्च ये बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है तो इफ़ ये वेरिएंट मुझे बहुत अच्छा लगा तीसरा यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती अलग से पाव तोड़ो फिर डिप करो अलग से अनियन डालो फिर टमाटर डालो या फिर वो सब मिक्स होके पहले ही आता है जस्ट लाइक जस्ट ऑन द गो आप पाव भाजी खा रहे हो वैसा हो जाता है और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग So we have a lot of international audience and I'm sure they must be thinking ki yaar hamare paas bread to hai nahi pav okay pav nahi hai to okay so you can use the bread okay brown bread use kare ya jo bhi bread aap multigrain ya whatever bread you want aap use karke bhi ye bana sakte hain bahut badhiya hai pav bhaji ke takkar ka main to ek hi cheez kahunga before you try the pav bhaji if you have less time
ट्राई दिस, दिस इज एक्सीलेंट, आई लव्ड इट. आ करो आ करो, मैं खिलाता हूँ. खिलाया क्या मैंने? नहीं, और बोल रहा हूँ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दैट लव हम लोग यहाँ पे टाइम निकाल के आप लोग के लिए शूट करते हैं. इट्स नॉट मी अलोन, देयर इज अ होल टीम ओवर हियर. ओके, एंड वंस अगेन प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ वीडियोज, जैसे कि पावा जी के अलावा यहाँ पे हमारे विगत पराठा वीडियोज, लॉट ऑफ वीडियोज कमिंग अप. फिर इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, चिकन टिक्का है, चिकन मलाई टिक्का है, बटर चिकन है. एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव ऑन दैट मैगी का वीडियो यार, मोर देन 1 मिलियन व्यूज. वाओ, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. चलिए अब हम खाएंगे इसे एंड आप देखते रहे, अब खुलेगा रहस्य, रहस्य साइकिल. चीयर्स.